हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोसीला और आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो लास्ट मैंने कल का जो ब्लॉग छोड़ा हुआ था ना, वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी देखिए, शाम का समय हो रहा है ये, और यहाँ पे ना उड़द दाल है जिसको काली दाल भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने अपने रिलेशन वालों लोग से ही मंगवाया था, तो ये घर का ही उड़द दाल है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा गंदा था एक्चुअली। जैसे कि खेत से लाते हैं उड़द दाल के पौधे को, उसके बाद वो जब सूखा रहता है तब इसे डंटे से पीट के निकाला जाता है ऐसे उड़द। तो एक खेत खलिहान में ये सब काम होता है ना, तो छोटे छोटे कंकड़ हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब ना बहुत ज़्यादा थे इसमें। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत था इसको साफ़ करने का। तो ये जो चलनी देख रहे हैं ना, इससे छोटे छोटे कंकड़ हैं ना, वो ईजिली निकल जाते हैं। उसके बाद फिर हमें इसे अच्छे से फिर हाथों से चूनना होता है, क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ जो थे वो निकल नहीं रहे थे। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी मिलके ना, मतलब ऐसी बातें चल रही थी कुछ कुछ, और ऐसे साफ़ करने में लग गए थे। तो करीब आधा घंटे से भी ज़्यादा हमें समय लगा। और ये जो दाल है ना, करीब 2-2.5 kg के करीब था। तो इन सभी दालों को मैं आज साफ़ कर रही हूँ, बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी बड़िया बनानी है। जो बड़ी आती है ना, वही बनानी है मुझे। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं ये जो उड़द दाल थी उसको सारा को मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो पत्थर का है ना, जिसको हम लोग जाता बोलते हैं, तो गांव में तो इसी से ही दाल बनाए जाते हैं। आज हम भी बिल्कुल जैसे गांव में बनाया जाता है ना दाल, उस तैयार किया जाता है, उसी तरह मैं भी बनाऊंगी। तो ये हमारे यहाँ है तो ईजली इससे बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में छोटे से गड्ढे हैं ना, तो यहाँ पे मैं दाल डाल दे रही हूँ। उसके बाद जो बीच में डंडा है ना, उसके सहारे से फिर इसको चला लूँगी। तो स्टार्टिंग में ना मुझसे हो नहीं रहा था, वैसे मैं ये काम हर साल करती ही हूँ, और पिछले मतलब ब्लॉग भी मैंने शेयर किया हुआ है। मतलब हम लोग एक उड़द दाल की रेसिपी मैंने एक शेयर की हुई थी, जिसको डुबकी सब्जी बोलते हैं, वो मैंने शेयर की थी आप लोग से। तो अभी देखती हूँ कि वो सब्ज़ी मैं फिर से बना पाती हूँ या नहीं, तो वो तो मुझे पता नहीं है। पर फ़िलहाल देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके उड़द दाल डाल के इस तरह से पीस ले रही हूँ, और ऐसे करने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ना बहुत ज़्यादा थे ना, तो हम लोग की हालत ख़राब हो गई थी ऐसे करते करते। और चूंकि पत्थर को भी एक एक साइड का जो ऊपर वाला था उसको भी उठाना पड़ता था, और जैसे देखिए यहाँ पे दाल को निकालना पड़ता था कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, अभी करीब करीब मैंने सारे दाल को ना ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब 2 टुकड़े में सब हो गए हैं, तो इसको हम लोग दर्राना बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा, आप लोग भी बतलाइएगा मुझे। तो यहाँ पे मेरा सारा दाल ना पूरा दर्रा गया है, और ये जो था ना जाता, ये भी काफ़ी हेवी था, तो बार बार निकालना पड़ रहा था, तो इससे भी बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। तो फाइनली देखिए, मेरा जो दाल है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो इसकी बढ़िया बनाने के लिए ना, इसको पहले अच्छे से फुलाना पड़ता है। तो शाम में ही हम लोग इसमें अच्छे से 2-3 बार पानी धो के फिर इसको फुला देते हैं। तो ये इसे फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ये जो उड़द दाल थी ना, वो छोटे दाने वाले थे और जल्दी ही फूल गए, और उड़द दाल जल्दी ही फूल जाते हैं। तो करीब 1 से 1.5 घंटा लगा होगा फूलने में, मतलब 1 से 1.5 घंटा नहीं, ज़्यादा ही समय था, क्योंकि हम लोग शाम के करीब 5 बजे फुलाए थे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम लोग करीब 9:30 या 9 बजे के करीब यहाँ पे इसको पीस ले रहे हैं मिक्सी में। हेलो एवरीवन, अभी देखिए रात के करीब बज रहे हैं 10 बजने में 5 मिनट बाकी होगा, और अभी मेरा जो ये काम है ये कंप्लीट हो गया है। मतलब इसको हम लोग ना मिक्सी में पीस लिए हैं, अभी बस हो गया, ये लास्ट है, और अभी इसको बस ऊपर से ढक के छोड़ देंगे, तो इससे ये ना थोड़ा सा फूल जाएगा। उसके बाद कल मॉर्निंग में, कल सुबह में हम इसका बरी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ इतना सारा हम लोग उड़द दाल का पेस्ट तैयार किया है बरी बनाने के लिए। तो इसको ना एकदम हम लोग बड़े वाले जो हमारा टब है ना, उसमें रखे हैं, और इसके ऊपर इस तरह से
अच्छे से इसको ढक देंगे, क्योंकि ये रात भर में ना थोड़ा सा फूल जाएगा, और रात भर ऐसे छोड़ने से ना बरियाँ जो है ना बहुत अच्छे बनती हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, और नेक्स्ट मॉर्निंग के उठते साथ ही ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि देख सकते हैं बिल्कुल भी मौसम ठीक नहीं है, और दिन तो डेली धूप रहता है बट आज नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ कोसिला, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल बंद भूलिएगा। तो अभी देखिए ये मॉर्निंग का समय हो रहा है, अभी सुबह के करीब पता है 8, 8:30 बज रहे थे, 8:30 बज रहे हैं, और अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को सभी को मौसम का हाल। मतलब एक भी धूप नहीं है, और हम लोग को बरी बनाना है, और धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा है हम लोग का। मतलब कैसे बनेगा, इतना मेहनत जो हम लोग किए हैं ना, सारा मेहनत बेकार चला जाएगा ऐसा लग रहा है। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी करीब 9 बज चुके थे और बिल्कुल भी धूप नहीं आई थी, और यहाँ पे मैंने घर का सारा काम वाम करके नहा धोवा के आ गई हूँ किचन नाश्ता बनाने के लिए। तो आज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम मूड ख़राब हो गया था मौसम देख के, कि पता नहीं अब और धूप होगी कि नहीं होगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और पेपर वगैरह मैंने कुछ भी ऐसे आउट नहीं हुआ था मौसम के बारे में, हाँ कहीं साइक्लोन आया है मुझे इतना तो आइडिया था, बट उसका असर हमारे यहाँ भी होगा वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो रात में ही मैंने ना यहाँ पे चावल फुला दिए थे, क्योंकि ये उड़द के दाल से ना जो कुछ भी चावल का मिक्स कुछ भी करके बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो मैंने तो सोचा था कि चावल की रोटी बनाऊंगी, लेकिन यहाँ फिर भी मैंने अचानक से सोचा कि चलो इडली ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे चावल और उड़द दाल का मिक्स मैंने पेस्ट बना लिया है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें इनो डाला है, इनो डालने से थोड़ा सा फ्लफी बनता है ना, अच्छा फूलता है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था पानी गर्म करने के लिए इडली के बर्तन पे, और यहाँ पे दो ही सेल वाला है, यहाँ पे मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है इडली का जो मेरा बर्तन है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इडली बना दे रही हूँ, और ना आज मौसम के चलते ना बहुत गुस्सा आ रहा था, तो एकदम कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बस इस वजह से ही मेरा आज नाश्ता भी लेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए करीब 10-15 मिनट मैंने एकदम मीडियम फ्लेम जो होता है ना, एकदम लो फ्लेम उस पर मैंने डाल दिया था, और यहाँ पे देखिए वही है पुराना तरीका चेक करने का, ज़्यादातर तो कोई इसी से चेक करते हैं ना कि अगर चाकू पे नहीं चिपके तो हमारा इडली तैयार है। तो ये हमारा इडली तैयार हो चुका था, और अभी देखिए इडली के साथ खाने के लिए यहाँ पे मैं चने दाल की चटनी बनाने वाली हूँ। तो हमारे पास बादाम नहीं था, तो अगर आपके पास बादाम नहीं है ना तो आप ऑप्शन में इसको ले सकते हैं बादाम की जगह। तो यहाँ पे चना दाल मैंने फुलाया हुआ था, साथ में यहाँ पे मिर्च डाल दिया है, लहसुन टमाटर और स्वाद अनुसार नमक, और आप चाहे तो आपको अगर अदरक पसंद है तो आप अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बादाम नहीं है ना तो आप बादाम की चटनी की जगह इडली इससे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के यहाँ पे पेस्ट रेडी कर लिया है, अब बस ये चटनी को हमें छौंका लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा पैन लिया है, उस पर मैंने डाल दिया है सबसे पहले सरसों का तेल। जब तेल हमारा गर्म हो गया तब मैं इसमें डाल दे रही हूँ सूखी मेरे पास थी करी पत्ता, आपके पास अगर कच्ची वाली हो मतलब ताज़ा रहेगी तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे देखिए साथ में लाल सरसों के दाने और फिर मिर्च को मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई कर ले रहे हैं, और हमारा जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना चने दाल का वो। तो ये पेस्ट आप या तो एकदम गीला पे ही बना सकते हैं या थोड़ा सा टाइट भी बना सकते हैं, आपको जैसा चटनी पसंद है। बहुतों को थोड़ा सा लिक्विड वाला चटनी पसंद आता है ना, और बहुतों को एकदम सूखा सूखा, तो हम लोग थोड़ा सा लिक्विड तो मैं चाह रही थी रखने के लिए, लेकिन हम लोग का रखे रखे सूख गया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट इतना चटनी छोड़ा था, तो ये चटनी ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। आप लोग भी फ्रेंड जरूर ट्राई कीजिएगा। और ग्रीन जो हम मिर्चाई इस्तेमाल किए थे ना तड़का के लिए, उसकी जगह आप लाल मिर्च भी डाल सकते थे, बट हमारे पास नहीं था तो मैंने ऐसे ही ग्रीन मिर्च डाल दिया। और यहाँ देखिए हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल रेडी हो चुका। हेलो एवरीवन, अभी देखिए सुबह के मतलब दिन के करीब 11:30 बज रहे हैं, और अभी तक धूप नहीं आई है, तो हम लोग का सारा मेहनत बेकार चल गया। आज हम लोग का जो भी काम होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हम लोग का बरी, तो उड़द का दाल जो फूल के
अच्छे से फूला हुआ है देखिए, तो बहुत ही अच्छा बरी बनता है इसका। अभी हम लोग बरी बनाते तो, लेकिन देखिए मौसम में ना तब एक भी धूप नहीं है, बादल बादल किया हुआ है। तो ऐसे मौसम में ना फ्रेंड बरी बनाना मतलब अच्छा नहीं बोला जाता है, अच्छा नहीं बनता है उतना खास। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मेरा बरी फूला हुआ था। तो हम और सोनल यही बात कर रहे थे अभी ना कि अभी हम लोग बनाते तो फटाफट से बन जाता और बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता, बट धूप नहीं था तो फिर ये प्रोग्राम हम लोग का कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ना मैं सारे उड़द के जो दाल है ना उसे एक डिक्ची में डाल दे रही हूँ। उसके बाद इसको मैं फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि फिर मतलब ऐसे छोड़ूँगी तो पता नहीं फिर आज फिर कैसा मौसम रहेगा, क्या रहेगा, बना नहीं पाऊँगी तो फिर कहीं ख़राब ना हो जाए इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छे से फ्रिज में अभी रख दूँगी। और मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब इतना मेहनत करके हम लोग पूरा रात में पूरा अच्छे से मतलब उसको धोएं, उसका छिलका साफ़ किए और फिर रात में ही पीसे उतना सारा दाल, लेकिन हम लोग का देखिए दिन में काम बना ही नहीं। और यहाँ पे देखिए ये लोग बच्चे लोग कल जो आइसक्रीम के लिए डाले थे ना वो भी रेडी हो गया था, तो ये लोग ना ऊपर से बर्फ़ भी डाल दिए, तो वही बर्फ़ भी ऐसी का ऐसी ही रह गया था। तो अभी देखिए फ्रेंड्स मैंने ना बरी को फ्रीज में डाल दिया है, क्योंकि ऐसे मौसम में बनाना ना अच्छा नहीं रहता है बरी इस वजह से। तो चल के अब कल मॉर्निंग में अच्छा खासा धूप करेगा तभी मैं बनाऊंगी, और फ्रीज में रखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत ही अच्छा फूला था और आज हम लोग का ये अलग काम हो जाता बट हुआ नहीं। देखिए किस्मत तो वैसे भी साथ नहीं देता है, भगवान भी नहीं साथ दे रहे हैं, मौसम बिल्कुल ख़राब किया हुआ। देखिए अभी करीब 11:30 के करीब बज रहे हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अभी हम लोग कहीं जाने का प्लानिंग करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए और साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।